गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, गणेश उत्सव आ गया है, गणपति की तैयारियों में सारा मुंबई जुट गया है। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम और बाकी समुदाय के लोग भी बहुत जोश खरोश के साथ गणेश उत्सव मनाने में लग गए हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। हम लोग तो देखने के लिए लालबाग जाते हैं एंड फ्रेंड्स के साथ में। एक्चुअली आई एम मोमेडियन, बट फिर भी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ हर साल। यस हाँ, एक्चुअली मैं हमारे फ्रेंड्स के साथ में, मतलब कैसे वो लोग बैठाते हैं ना, तो हम देखने के लिए जाते हैं वहाँ पर उनके साथ में और मनाते भी हैं। फिर गणपति उत्सव में जो अलग अलग टाइप की फैसिलिटी सब हो रहते हैं ना, सेलिब्रेशन जो होते हैं, वो सब भी हम देखते हैं और करते भी हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो गया गणेश उत्सव। हाँ, ये तो है। ये मुंबई की खासियत है कि यहाँ कोई नहीं नहीं कोई धर्म वगैरह नहीं देखता, हर कोई हर उसमें जाता है, क्योंकि हमारे ईद में भी वो आते हैं और हमारे साथ में ईद सेलिब्रेट करते हैं, फिर इस वजह से हम भी उनके साथ में गणेश चतुर्थी, दिवाली वगैरह सब, गणपति बप्पा मोरे। जो कि यहाँ पे अभी यहाँ पे ही सामने गणपति आ रहा है, तो उनके मतलब उनको लेने के लिए हम जाएंगे। फिर बाद में हर एक मुंबई के गणपति देखते हैं हम तो। और लाल, सबसे फेमस लालबाग का राजा क्या होता है वहाँ, मतलब वो आ गए ऑलरेडी, तो उनको लेने के लिए ही इतनी पब्लिक रहती है कि पूरा रोड, मतलब पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है वहाँ का। तो ऐसा ही विसर्जन के टाइम होता है, विसर्जन के टाइम और ज़्यादा पब्लिक आती है, फिर सब ढोल वगैरह सब वहाँ पे होता है। सो इट्स वेरी गुड, लाइक देखना, देखने जैसा है। मुंबई का सबसे बड़ा उत्सव है। हाँ हाँ, आप सेलिब्रेट करते हो? जी जी जी, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ सब लोग बहुत बहुत खुशी से मनाते हैं और सबको बहुत उत्साह रहता है कि ये आ रहा है फेस्टिवल। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा पहली बार है यहाँ पे गणेश चतुर्थी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लविंग दिस। थैंक यू। अच्छे से बनाते हैं, मीन्स बहुत अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं और सॉन्ग्स, डीजे, बहुत कुछ होता है। तो अपने महाराष्ट्र में सबसे अच्छी गणपति सेलिब्रेशन होती है और उस सबसे अच्छा बिगेस्ट फेस्टिवल भी है और सब लोग बहुत वेट करते हैं गणेश चतुर्थी के लिए। तो और हाँ, सब कोई इसमें ये नहीं कि वो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम भी लेके आते हैं गणपति, सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया सबसे बड़ा उत्सव है, सभी लोग मिलकर मनाते हैं। हाँ, सभी एक साथ, सारे मुंबई कर एक साथ आके मिला, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सब यहाँ एक साथ मिलकर ये उत्सव साजरा कर, मतलब मनाते हैं, और हमें भी ये उत्सव बहुत पसंद है। क्या खास बात होती है उस समय? पॉजिटिविटी होती है। अच्छा, पॉजिटिविटी तो लाइफ में बहुत जरूरी है। हाँ, और गणपति पापा का आशीर्वाद भी होता है हमारे साथ उस वक्त, और पॉजिटिव तो बहुत सारे, पॉजिटिविटी तो बहुत सारी होती है तब, इसीलिए मुंबई को ब्लेस्ड माना जाता है। यस, सो चले जाना। एक्चुअली हमारे घर पर भी गणपति आता है, इसलिए हम अभी जा रहे हैं लेने। हाँ, हम तो जा रहे हैं, मतलब डेकोरेशन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा है अभी शिवाजी महाराज का, हमने वो सब कुछ स्टैचू वगैरह लाया है, वो करने वाले हैं अभी बहुत, अभी इसलिए ढाई में हूँ। तो सेलिब्रेशन क्या करते हैं? 7 दिन का होता है ना, तो डोरी भी आती है, साड़ी वगैरह, बहुत सारा मतलब स्वीट्स होता है, बहुत कुछ होता है। हैप्पी गणेश उत्सव। हैप्पी गणेश उत्सव। और बॉम्बे में तो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट हो जाता है, सेलिब्रेशन साल सबसे बड़ा। क्या क्या करते हैं मैम? तो पूरे बिग इवेंट होता है, एकदम इवेंट होता है। ओके, तो गणेश जी आ गए हैं और आप लोग उत्साहित हैं? हाँ हाँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू, सेम टू यू। मैं तो इस चीज़ का वेट करता ही है मैम। क्या खास बात है? हाँ, गणेश उत्सव तो है ही, खास बात ये तो सारा मुंबई में। नहीं, मेरे गांव में बैठे है, गांव में ही है, यहाँ पे नहीं है, पर गांव में है। धूमधाम से होता है। क्या सभी लोग मिलकर मनाते? सभी, अगर सोसाइटी का है तो सब मिलकर मनाते हैं, अगर घर आती है तो फिर घर में भी मनाते हैं, सब मनाते हैं, सही में मनाते हैं सब, हिंदू मुस्लिम खास बात है। हाँ जी, धन्यवाद।